वेलकम टू एलिश बेकरी एंड फूड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही टुकड़ों की रेसिपी, जिसे हम सिंपल 3 स्टेप्स में बनाएंगे। और इसमें वो सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे जो नॉर्मली हमारे किचन में होते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले शुगर सिरप बनाएंगे, चाशनी जिसके लिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है 1 कप। और इसमें डालेंगे चीनी, चीनी यहाँ पे मैंने ली है 1/2 कप। अब चलाते हुए चीनी और पानी को इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छी थिक हो जाए। तो तकरीबन देखें ये 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है और इसमें येलो शेड भी आ गया, ये तैयार है। अब इसको हम एक साइड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर इसको यूज़ करेंगे। अब मिल्क सिरप बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है 1 लीटर। इसमें मैं क्रश्ड हुई हुई इलायची डाल रही हूँ 3 अदद। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इलायची डाल के हम इसको एक बॉयल आने तक पका लेंगे। यहाँ पे मेरे पास ज़ाफ़रान है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स करके पका लेते हैं थोड़ी देर कि अच्छा सा बॉयल आ जाए और थोड़ा सा थिक भी हो जाए हमारा मिक्सचर। अब डाल रहे हैं इसमें क्रश्ड बादाम, ये 1 टेबल स्पून के बराबर हैं। अच्छे से एसेंस के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें रोज़ वाटर। आप चाहें तो इसमें रूए केवड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला है 1 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दूध इतना गाढ़ा हो रहा है कि वो साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा जम रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है 2 टेबल स्पून, उसमें डाला है कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इस दूध वाले मिक्सचर में हम डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे और थोड़ा सा पका लेंगे कि थोड़ा और मिल्क गाढ़ा हो जाए और साइडों पे ये थोड़ी थोड़ी इसकी लेयर जमने लगेगी। हमारा मिल्क तैयार है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं फिर इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस ले लिए हैं और इन्हें मैं सेंटर में से कट करूँगी। मैं इनकी साइड्स कट नहीं कर रही, मेरे ख्याल से साइड्स कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप इसकी साइड्स कट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 8 स्लाइसेस के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने घी ले लिया है 3 टेबल स्पून। इसे हम घी में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ऑयल में इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप ऑयल ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। घी को लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे, हल्का गरम घी होना चाहिए। फिर इसके अंदर ब्रेड स्लाइस को हमने फ्राई करना है। ब्रेड को हम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा देर तक फ्राई कर रही हूँ और इसका कलर थोड़ा डार्क आ जाए इतना इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि ये क्रिस्पी ही अच्छी लगती हैं। लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे तो ये चाशनी को और दूध को ज़्यादा सोक कर लेंगी और बिल्कुल हलवा सी बन जाएंगी, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम इसको थोड़ा सा डार्क फ्राई कर रहे हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा सोक भी नहीं करेगी ना चाशनी को ना दूध को, लेकिन एक बैलेंस में इसका सोक रहेगा जिसकी वजह से बहुत बैलेंस में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। सारी ब्रेड्स हमारी फ्राई हो गई हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं और इनकी असेंबलिंग करते हैं। फ्राइड ब्रेड को डिप करेंगे शुगर सिरप में, चाशनी में, और इसको एक सेपरेट डिश में प्लेस करते जाएंगे। ज़्यादा डिप नहीं करेंगे, बस एक साइड से और दूसरी साइड से कुछ एक एक सेकंड के लिए बस डिप करेंगे और उसको सेपरेट डिश में प्लेस करते जाएंगे। जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से आप प्लेस कर दें। मेरी डिश के हिसाब से इसी तरह रखना सही था तो मैंने ऐसे रखा है। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा शुगर सिरप इसके ऊपर से पोर कर रही हूँ। अब डालेंगे हम इसमें दूध जो हमने अभी बनाया था, पूरा अच्छे तरीके से इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो ये सारा इसके ऊपर हमने पोर कर दिया है, लेकिन अभी देखें स्लाइसेस ऊपर हैं। इन्हें रेफ्रिजरेट करेंगे, तब तक ब्रेड भी काफ़ी मिक्स सोक कर लेंगी। अब इसके ऊपर डालेंगे क्रश कोकोनट, ये क्रश्ड आलमंड्स है मेरे पास, वो डाल दूंगी इस पर। तो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हों, जो हों आपके पास, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर और ये हमारे शाही टुकड़े हो गए हैं तैयार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल।